कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और 11 अन्य अधिकारी एवं जवानों के आकस्मिक निधन से पूरे देशवासी मर्माहत थे। उनकी पवित्र आत्माओं की शांति के लिए देहरादून के गोरखाली समाज की तरफ से वीर गोरखा कल्याण समिति ने चंद्रमणि गौतम कुंड मंदिर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोमबत्ती जलाकर सादर नमन किया। इस कार्यक्रम में वीर गोरखा कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी गण, सदस्य गण एवं स्थानीय पार्षद भी मौजूद रहे। आज हम चंद्रमणि गौतम कुंड मंदिर में इसलिए एकत्रित हुए हैं, हमारे देश के नंबर वन ऑफिसर सीनियर जनरल बिपिन रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी के साथ भारत के उनके साथ सहयोगी जनरल कर्नल और ब्रिगेडियर कमांडिंग ऑफिसर पायलट और जवान अपने ऑफिशियली कार्य में साउथ में जाते समय हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद उनकी देहांत हो गया है, जो भारत के लिए बहुत क्षति पहुंची है। हमारे भारत के नंबर वन जो व्यक्ति होते हैं, जो भारत देश के लिए बचाने वाले सैनिक, जिसको हम हमेशा सम्मान करते हैं। सर्वोच्च सीडीएस जनरल विपिन रावत र वहाँ को धर्मपत्नी मोदिलाल रावत जी र अन्य 11 अधिकारी एवं जवानों को शहीद भएको मा बेहद दुखद घटना भएको छ। त्यसमा देश सेना लगायत उत्तराखण्डलाई बहुत ठूलो क्षतिग्रस्त पुगेको छ। त्यसमा सबै सम्पूर्ण देश विदेश लगायत सम्पूर्ण देशवासीहरू अहिले मर्माहत भएको अवस्था छ र यसै सन्दर्भमा आज हामी वीर गोर्खा कल्याण समिति देहरादूनद्वारा जनरल विपिन रावत एवं अन्य अधिकारी र सबै वीर शहादको लागि उहाँहरूको आत्मा शान्तिको लागि भावभिनी श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम चन्द्रमणि गौतम कुन मन्दिरमा आएका छौँ र उहाँलाई हाम्रो सम्पूर्ण वीर गोर्खा कल्याण समितिको परिवारको तर्फदेखि सहित सबै और उहाँको परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछौँ।